ओके जी, मैं फिर से लाइव आ गया और होपफुली अब हमारा कनेक्शन बिल्कुल ठीक होगा. वी आर ऑल अगेन लाइव. आप जल्दी से सब गैदर हो जाइए. हमारे साथ लाइव ज्वाइन किया हुआ है बिलाल कुरैशी ने. ही इज अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान और बहुत अच्छी बातें करते हैं. ही इज अमेजिंग. ही इज देयर फॉर अस टुनाइट फॉर लाइव कन्वर्सेशन अबाउट मुनाफिक. मुनाफिक ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की है. वैसे अभी भी हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं आजकल के कब जो है वो रेटिंग्स आएगी लास्ट एपिसोड की, बिकॉज द लास्ट एपिसोड टर्न्ड आउट टू बी द स्टनर ऑफ द सीजन. अमेजिंग एपिसोड थी. हमें बहुत रुलाया इस एपिसोड ने एंड वी ऑल लव्ड इट. वी ऑल जस्ट सिंपली फॉल इन लव विद दैट, राइट? और जनाब अब हम इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का. आप जल्दी से गैदर हो जाइए. और नाउ वॉइस इज ऑसम. शुक्र है बिकॉज मैंने ये सारा इंटरव्यू अपलोड करना है ऑन माई यूट्यूब चैनल. सो आई जस्ट वॉन्ट की आवाज जो है वो परफेक्ट जानी चाहिए, वरना खराबी से मजा नहीं आएगा आप लोगों को और आप देखना छोड़ देते हो, राइट? सो जनाब हम इंतजार कर रहे हैं लीथल ड्रामा के हीरो का, यानी कि बिलाल कुरैशी का, कि वो आए और आकर छा जाएं और आके बहुत सारी बातें करें हमसे. और जनाब वी आर ऑल लाइव राइट नाउ एंड हम इंतजार कर रहे हैं बिलाल कुरैशी का कि वो जल्दी से आ जाएं. मेरा फोन कर दीजिएगा जरा प्लीज. अमेजिंग ड्रामा मुनाफिक, ये चीज राबेल है लाहौर से और आप लोग हमें कर सकते हैं. अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं उसका जवाब मिल जाए आपको फौरन के फौरन, यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप ऑन माई नंबर 03214175227. जनाब ठीक है, 03214175227 हमारा नंबर है. यहां भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना जवाब ले सकते हैं. हम आपका सवाल आपके नाम के साथ, बिकॉज यहाँ बहुत सारे नाम ऊपर आ रहे होते हैं सो अक्सर नाम सवाल मिस हो जाते हैं. सो नाउ आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग यहाँ भी हमें कर सकते हैं. राबेल हमें लाहौर से देख रही हैं, बहुत बहुत सलाम दे रही हैं बिलाल कुरैशी को. दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड द बेस्ट वन. और आपको लाइव देखकर अच्छा कि आपने यहाँ मैसेज कर दिया, इट्स गुड वन. आपको लाइव देखकर बता दें बिलाल भाई को कि मैं, बिलाल कुरैशी को, कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं और मुझे शोबिज ज्वाइन करना है. क्या बात है. फरीहा यूनुस भी पहले ही मैसेज कर चुकी है मुझे व्हाट्सएप पे कि वो बिलाल कुरैशी को बहुत अच्छा लगा उनका रोल उनको मुनाफिक में एंड शी जस्ट लव्ड इट और उनको बहुत सलाम दे रही हैं. अवर फोन नंबर इज ऑन 03214175227 हमारा नंबर है इस वक्त ऑन है. आप लोग जल्दी से आ जाइए और अपना सवाल कीजिए बिलाल कुरैशी के लिए. हमारे साथ बिलाल कुरैशी लाइव है अभी और मैंने जस्ट दोबारा कनेक्ट किया है कि ताकि वो हमें ज्वाइन कर सके. तो बस जनाब हम लेने वाले हैं उनको बिल्कुल अभी के अभी लाइव. आदिल चौधरी हमारे साथ हैं, ईशाल हमारे साथ हैं, सलमान यासीन हैं. लव्ड इट, आई लव्ड इट, वी ऑल लव्ड इट यार, वी ऑल लव्ड इट बिकॉज यू सी बिलाल कुरैशी इज जस्ट अ प्योर अमेजिंग एक्टर. और क्या बात है उनकी, क्या बात है, एंड ही इज द बेस्ट. हसन फहीम हैं और नूरुल ईमान हैं और अली हैं. अली अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके. और फलक नूर, हेलो फलक, आप भी देखिए अभी हम लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं हमारे सुपरस्टार बिलाल कुरैशी का एंड ही इज एन अमेजिंगली टैलेंटेड एक्टर. लव हिज डिम्पल, जनाब कह रही हैं वाओ क्या बात है जी आपकी. और आयरा एजाज हैं, तो जाना जाएगा जैसे हम फोन को लाइव कर लीजिएगा यहाँ से कैसे करना है. अच्छा वहां से रिक्वेस्ट अभी नहीं आई ना. फातिमा है, फातिमा है, स्वीट कहाँ पर जा रहे हो बेटा, अभी नहीं आए ना. नुमान सिकंदर है, नाजिया है फ्रॉम इंडिया, सुलमान यासीन है, ही इज हैंडसम, आ गए हैं वो, ज्वाइन करें उनको जल्दी कीजिए. अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मेरी हेल्प कर रहे हैं बिलाल को लाइव लाने में. अब्दुल्ला थैंक यू सो मच सपोर्ट. और जनाब अब हम लाइव जाने वाले हैं बिलाल कुरैशी के साथ. वी हैव ऑन माय राइट साइड रहाब, यहाँ पर हमारे पास अब्दुल्ला है. सो मजा आ रहा है. हम कनेक्ट करेंगे बिलाल कुरैशी को और उनसे बहुत बहुत सारी बातें करने वाले हैं. वेलकम बैक, वेलकम बैक. लगता है मेरी आवाज ऐसी आएगी कंबाइंड. मेरी आवाज सुनो, मुझे आजाद करो. यहाँ पर सारे हंस रहे हैं मेरा बेटा. अब ये अरे क्या हो रहा है, भाभी बच्चे कैसे हैं, सब ठीक है? वो सब ठीक ठाक हैं, हम लोग बहरेन में हैं तो बस एंजॉय कर रहे हैं. आई होप यू ऑल स्टे सेफ. बहरेन से यार बड़ा फीडबैक आया मुझे, है ना, बहुत देखते हैं हम सब देखते हैं. अच्छा एक और सवाल है जी, भाभी का ड्रामा आता था 7:30 पे,
आपका आता था उसी टाइम पे, लेकिन हिट हुआ मुनाफिक क्यों? नहीं नहीं उसकी वजह है, एक तो ये कि मुनाफिक पहले ऑन एयर हुआ था, दूसरा ये कि मुनाफिक 7 से 8 घंटे का स्लॉट, ठीक है, तो जब 7 बजे यू गेट कनेक्टेड तो फिर 8 बजे तक कोई उसको छोड़ के जा नहीं सकता था, और 7:30 बजे जो है वो आपकी भाभी का प्ले होता था, तो वो इस वजह से वहां पे स्विच नहीं कर सका कोई। अगर दोनों 7:30 होते या दोनों 7 होते फिर कॉम्पिटिशन था। दूसरी बात ये कि ये ताना मेरी बेगम भी बहुत बढ़ता मुझे देख चुकी है, यार सारे आपका ड्रामा देखते हैं मेरा नहीं, तो एक्चुअली ये प्रोजेक्ट की लक होती है। बल्कि आज मैंने अपने लाइव सेशन में यही बोला कि यार अगर आप मुनाफिक को मिस कर रहे हैं और बहुत बोर हो रहे हैं उस टाइम के बीच में, तो 7:30 बजे यू कैन वॉच सौतेली माम का। बट यार बस यू नेवर नो जैजी, क्या हिट होना है क्या नहीं हिट होना, ये तो शाहरुख खान को भी नहीं पता, तो हमें क्या पता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा मैंने एक बात नोट की, समहाउ आपकी और महात्मा अफंदी जो है उनका जो एक कपल बना है कामों में वो काफी सुपरहिट रहता है ना, रेटिंग बढ़ती है। यार वो पता हुआ क्या, हमने 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं साथ, और इससे पहले हमने किया था ए दिल तू बता, या सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, जियो एंटरटेनमेंट, और अक्सा और अजान की केमिस्ट्री बड़ी मजे की थी और लोगों को बड़ी पसंद आ गई। उसकी एंडिंग जरा सैड थी, ये एक नहीं हो सके थे। अच्छा उसके बाद आई केप्ट गेटिंग दीज फीडबैक एंड मैसेजेस कि यू गाइस शुड डू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इट एक्सीडेंटली हैपेंड, सम अदर एक्टर वाज सपोज्ड टू डू हमजा, लेकिन वो आई मीन फॉर्चुनेटली इट हैपेंड टू मी, और फिर से हमारी वो जो केमिस्ट्री है वो ऑन स्क्रीन बड़ी क्लिक की और लोगों को बड़ी पसंद आई है। बिकॉज मेरे ख्याल से वो जो एक्शन रिएक्शन होता है ना, अगर उसमें वो लेवल इक्वल आ जाए ना तो वो बड़ी बड़ा बूम होता है। तो उसके साथ मेरा बड़ा रहा कि हमारा बड़ा एक्शन रिएक्शन ना बड़ा इक्वली गुड आ रहे थे एक दूसरे के साथ, पहले अक्सा अजान भी और अब हमजा उजाला भी, तो लोगों को वाकई बहुत पसंद आया हमारा। बिल्कुल सही है। अच्छा मीना हम ये भी बात नोट करते हैं कि हम बहुत मिस कर रहे हैं हमारे एंकर बिलाल, वो कहाँ है? डूड लेट मी टेल यू, मैं अभी क्वारंटीन में जब से है तो मैं अक्सर लाइव सेशन कर रहा हूँ अपने इंस्टा के पेज से, तो मुझे बहुत ज्यादा इनबॉक्स में आ रहा है कि यार व्हाई डोंट यू डू होस्टिंग और वो एंकरिंग एंड ऑल दैट, बिकॉज मैंने लाहौर में किया आप जानते हैं। या बहुत देखते हैं, बट वो इतनी इस तरह आपको पता कराची की मार्केट में जो चीज और या काम होती है वही ज्यादा रजिस्टर होती है। सो आई एम रियली थिंकिंग ऑफ कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन मैं जब भी करूंगा होस्टिंग तो आई प्रेफर टू डूइंग समथिंग लाइव नॉट रिकॉर्डिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। लाइव में मजा आता है। But you are more comfortable with doing romantic scenes या emotional या sensitive scenes? यार romantic scene depends on the co-actor. ठीक है। Co-actor के साथ मेरा जो comfort zone है उसपे depend करता है। और sad scene जो है वो total मेरा होता है क्योंकि वो मैंने आँखों से करना होता है। और जो something like angry scene होता है वो सबसे आसान होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है। सारियाँ ने गुस्सा निकाल देना है। अच्छा अब बताएं कि जितने ड्रामे आपने किए पिछले 2-3 सालों में सबसे फेवरेट कॉलेज कौन सा रहा, सबसे फेवरेट? यार जैसी पर्सनली आई एम द लकीएस्ट वन, आई फील अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट, बट प्रोफेशनली ना मैं थोड़ा सा अनलकी रहा हूं इन टर्म्स ऑफ कि मेरी जो बेस्ट परफॉर्मेंसेस है ना वो बेस्ट चैनल्स पे नहीं है। अच्छा हां एग्जैक्टली, बिल्कुल ये मेरे साथ कुछ थोड़ा सा रहा है, हार्ड लक कह लें या जो भी कह लें, बट अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरी जो मेरी बेस्ट प्रोजेक्ट और परफॉर्मेंस है वो मुझे लगता है मेरे जीने की वजह जो कि ए प्लस पे चला था। अच्छा। वो इतना उसका फीडबैक नहीं आया, लेकिन वो ही अगर जियो पे चलता तो कुछ और होता, तो वो मुझे लगता है कि मेरा एक बड़ी जबरदस्त मेरी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा मैंने अभी हाल ही में इंटरव्यू किया नवी प्रजा, अच्छा है ना, तो उनसे मैंने कहा कि आप बताएं कोई ऐसा कैरेक्टर है जो किसी और ने किया हो और आपकी ख्वाहिश है कि मैं करता, उन्होंने कहा बिलाल वाला रोल मुनाफिक था। रियली रियली कह रहे अमेजिंग। उसने मुझे ना मैसेज किया ना कॉल किया ना कोई कमेंट पे मुझे बताया, उसने मैं भी उससे पूछता हूं कि ये जानू, वो बड़ा कूल डूड बंदा है और मुझे बड़ी उसकी पर्सनालिटी पसंद है, उसका ड्रेसिंग सेंस बड़ा जबरदस्त है, तो मैं उससे भी करता हूं कॉल के, तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अच्छा अगर मैं यही सवाल आपसे करूं तो आपका जवाब क्या होगा? गुड क्वेश्चन यार, मेरा तो होगा लेकिन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मेरा है कबीर सिंह। वाह।
नहीं लेट्स गेट बैक टू ड्रामा। कह रहे हैं आप मुझे आपकी वो लग रही कुछ उसमें वो आ सकते हैं आराम से जैसी अगर इफ आई गेट समथिंग लाइक दैट अगर उसका कोई कैरेक्टर मिले ना खैर जो शाहिद कपूर ने किया वो तो आई मीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई नहीं कर सकता उस लेवल पे लेकिन फिर भी लेकिन अगर आप हमारे ड्रामास में पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से कौन सा ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं स्टार्ट में लेकिन लेट मी थिंक कि मैं कौन सा कैरेक्टर करना चाहूंगा आई थिंक दानिश मेरे पास कम हो मैंने मुनाफिक में एक चीज सीखी है एक्टिंग में ना अपनी और वो मैंने जब सीखी और इम्प्लीमेंट किया और उसका मैंने रिस्पॉन्स देखा तो मुझे हुआ कि अंडरटोन एक्टिंग जो है ना वो ज्यादा पावरफुल एग्जैक्टली तो दानिश का जो कैरेक्टर था हुमायूं भाई ने बहुत अंडर रहकर किया दैट्स व्हाई इट हैज द पावर एंड इंपैक्ट सो आई रियली वांट टू डू के इश्क जो है वो लाउड ही नहीं होता वो साइलेंटली भी होता है हाँ सही कह रहे हैं वैसे बता आप सब इंतजार कर रहे हैं हम लोग मुनाफिक की लास्ट एपिसोड की रेटिंग का रेटिंग का क्या है रेटिंग मुझे अभी असद भाई ने भेजी है तो भेज बताए ना हमें बताए ये देखें ये असद भाई का मुझे वो आया अभी आया 20 ये थी अब्दुल्ला कह रहा था मुझे पापा लास्ट की 20 अरे आप भी कह रही 20 लास्ट में होगा जानी ये देखिए इस पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड ब्रेकिंग लास्ट एपिसोड हाईएस्ट रेटिंग ऑफ एनी सीरियल एट बिटवीन 7 to 8 PM obviously last rating jo hai main matlab fir dikha dun kal bhi aise baat ki thi jaye abhi aap mujhe bheji pichle baad mein yaad se main abhi bhej बिल्कुल सही है अच्छा मुझे बताएं कि आपके फेवरेट स्टार्स कौन कौन से हैं कितने लोग काम करने तेरे भी आ गए हैं बहुत ज्यादा तो आपकी चॉइसेस कौन है लड़के लड़कों को काम करने आज तक इन माय कलीग्स लाइक ऑल द या एग्जैक्टली एग्जैक्टली यार मुझे बहुत लोग पसंद हैं मुझे आजकल मैं और मेरी बेगम हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यमुना जैदी को हां बल्कि उसको मुझे उसे मैसेज भी करना है क्योंकि वो भी फिर ये ना कहे कि नवीद की तरह मैंने आपके शो में बताया उसको नहीं बताया तो मुझे उसको भी बताना है मुझे हीरा मानी बहुत पसंद है मैंने उनके साथ अभी एक लेकिन वो रोती बहुत है क्या करें बहुत आंसू है यार लेकिन वो रोते हुए प्यारी लगती है कुछ वो हिट भी होती है फिर वो हिट भी होती है वाकई आपको पता है हमारे ड्रामो में रेटिंग ही रोने पर है जितना ज्यादा रोना उतना ज्यादा रेटिंग अब जितना फातिमा रोई है इस ड्रामे में रोई बल्कि अभी मेरा एक दोस्त है उसका नाम है इजाज वारिस तो वो पिछले दिनों मुझे कह रहा था कि हमें उजाला का रोना बहुत अच्छा लगता एग्जैक्टली वो तो कह रहे हैं ना कोई तो रेटिंग लाते हैं वो तो बात है लेकिन मैं एक बात बताऊं मजे की लड़की का रोना हमारे ड्रामो में बड़ा रेगुलर हो गया है क्या यार बहुत मैंने नोट किया कि जहां लड़का रोता है ना वहां पे फिर हाईएस्ट रेटिंग आती है या दानिश रोया मेरे पास तो वो बूम वो आयजा के रोने पर नहीं दानिश के रोने पर गया है बिल्कुल और इस तरह मुनाफिक भी मुझे लगता है कि उजाला से ज्यादा हमजा के रोने पे लोग रोए हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं यस यस तो आप बताएं कि लड़कियों में कौन इस वक्त तक नंबर 1 एक्ट्रेस है हमारे ड्रामा की लड़कियों में यार सब बहुत अच्छी हैं ये सब तो अच्छी हैं कोई बात वही बात है ना किसी की आंखें अच्छी हैं किसी के बाल अच्छे हैं किसी की चाल अच्छी है किसी की गाल अच्छी वही जो बात की थी ना शाहरुख खान साहब ने तो वही चक्कर है हर किसी के प्लस और माइनस हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सोनिया हुसैन मुझे बड़ी पसंद है सही बात है कमाल एक्टर है लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके मुनाफिक की एक्टिंग को देखकर हमें शाहरुख खान क्यों याद आए क्यों लगा यार मैं बताता हूँ मैं शायद दुनिया में वो पहला एक्टर हूंगा और आखिरी भी जो सरेआम ये कहता है कि मैं शाहरुख खान की कॉपी करता हूँ ओह माय गॉड बिकॉज नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट माय रीजन टू बिकम एन एक्टर इज शाहरुख खान माय इंस्पिरेशन ऑफ एक्टिंग इज शाहरुख खान माय मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड इज शाहरुख खान सो आई एम इंटेंशनली फॉलोइंग मेरे सबकॉन्शियस में वो रुके हैं बिल्कुल सही सो मैं करते बहुत लोग हैं शाहरुख को कॉपी आप भी जानते हैं आप भी जानते हैं बहुत लोग करते हैं मानते मैं सनम जंग के शो में गया था हम टीवी के मॉर्निंग शो में लाइव तो मैंने वहां पे भी बोला था कि मैं इंटेंशनली करता हूँ बिकॉज़ आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ शाहरुख खान बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही कौन से ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनके साथ आप तो काम कर लो फाइट है अभी तक पूरी नहीं हुई बहुत है मुझे
मुझे किसके साथ काम करना है ना, मुझे यार मेरे काम वैसे बहुत ज्यादा लोगों के साथ किया भी हुआ है। मैंने सबा कवर के साथ भी काम किया हुआ है, आयजा खान के साथ भी काम किया हुआ है, सोनिया हुसैन के साथ भी अकेली फिल्म की हुई है, तो काम तो मैंने ज्यादातर लोगों के साथ किया हुआ है। और कौन है, हाँ सज्जल के साथ नहीं किया, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है। और कौन है, हाँ शी इज वेरी पावरफुल परफॉर्मर। हाँ और आजकल मुझे वो बड़ी पसंद है, क्या नाम है उसका, जारा नूर, जारा नूरा, बिल्कुल भाई सही। पटाखा है भाई, क्या एनर्जी है, वाह वाह लेकिन मुझे बताया कि हाउ वाज इट वर्किंग विद मरीना खान, क्या बात कर रही थी। यार। जैसी जब मुझे पूरी कास्ट बताई गई ना मुनाफिक की, तो आई वाज लाइक नॉर्मल रूटीन कास्ट, जब मुझे बताया कि इसमें मरीना खान है तो आई रियली गॉट एक्साइटेड। हाँ और मैं जब सेट पर गया और जब जिस दिन उन्होंने आना था, तो मैं एक यू नो लाइक समथिंग एक्साइटमेंट थी मेरी जब वो आई, मैं उनसे मिला। और यार वो जितनी तन्हाइयां में क्यूट थी ना, उतनी ही रियल में हाँ क्यूट है। वाह शी इज एन एडोरेबल लेडी, आई मीन मुझे तो बहुत पसंद आई। अच्छा एक्टिंग में ये रहा कि हमारे बहुत कम सीन थे, सबिया बेगम और हमजा के बहुत कम हाँ सीन थे नहीं उसके फिर भी साथ। है, फिर भी है। हाँ लेकिन बहुत कम, गिनती कही, 4 नहीं तो 5। सो आई हैड दिस हंगर कि आई कैन डू मोर सीन्स विद हर, लेजेंड एक्टर्स, क्योंकि वो बहुत नेचुरल एक्टर है। हम लोग जो वाह है ना, आज के जो एक्टर्स हैं, हम लोग इतने या नेचुरल नहीं है, हम थोड़ा यानी कि अच्छा वो जो सीनियर्स हैं हमारे नेचुरल करते हैं ना जिस तरह। खैर उसकी एक वजह ये भी है कि पीटीवी में तीन तीन चार चार कैमरे होते थे, तो यू नो एक रूम में सीन होता था तो नेचुरल हो जाता था। हम लोग 4-5 टेक्स करते हैं एक कैमरे के साथ, तो थोड़ा मैकेनिकल हो जाता है। बट मरीना खान इज, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछें, एक अगर आप मुझसे मेरा फीडबैक पूछो ऑन द लास्ट एपिसोड, तो आई थिंक मरीना खान स्टोल द शो। हाँ एग्जैक्टली बहुत ज्यादा, लेकिन हमें तो रोना आया लास्ट जब बच्चा अरे आपको यार बच्चे आ गया वो पहले एक्चुअली मुझे बच्चियां अच्छी लगती थी, अब मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, तो बच्चा गोद में आया तो मैंने इसलिए इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया। नहीं बहुत आला, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो मुझे बताया कि अब फ्यूचर प्लान क्या है आपको, व्हाट नेक्स्ट इन द पाइपलाइन आने वाला है आपका। Dude, first of all, I don't make plans ओके because I go with the flow. हमारी ठीक फील्ड है भी ऐसी है। हाँ, ये आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि what my wish to do. या I really want to do a movie, definitely. आपको पता वाह मैं इंस्पायर शाहरुख खान से हूँ और करने ही मूवीज आया था, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि मूवीज का ट्रेंड नहीं रहा। अब क्योंकि शुरू हो रहा है, अब लोगों को यंग एक्टर्स यू नो एक्सेप्ट है, तो डेफिनेटली हम मैं यही कोशिश है और ख्वाहिश है मेरी कि मैं बहुत जल्द फिल्म करूँ। ठीक है बिल्कुल सही है। बल्कि अगर हम इस वक्त, मैंने कल ट्राई किया था, मैंने ना आपका जो चल है ना लास्ट सीन, मैंने वो निकाला भी था थोड़ा सा, इफ आई कैन प्ले अच्छा हियर सो दैट कैन बी बेस्ट थिंग, और वो बड़ा मजेदार होगा, लेकिन मेरा जब थोड़ा लंबा जाएगा, आई डोंट नो फॉरवर्ड नहीं कैसे नहीं करें। लेट्स लेट्स नहीं नहीं ये तो नहीं, ये तो बहुत नहीं नहीं पुराना ये है। नहीं है, अच्छा नहीं नहीं सुनो सुनो नहीं, ये पुराना नहीं है, वो वो नहीं ही नहीं है। ये वो है। हाँ जब आप आते हैं लेट्स हाँ नहीं ट्राई, नहीं अगर आवाज को हम ठीक कर सके चलेंगे, बात टेक्निकलिटीज है ना। नहीं ये नहीं, नहीं, ये भी कल का ही है। ओह ओह माय गॉड आई लव दिस म्यूजिक। मुझे तो मैं गूंगा भी बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है वैसे इसकी, हमें तो आ रही है। अच्छा आपको आ रही है, हाँ मैंने बाकी सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही। मैं फिर साथ खुद ही बोल लेता हूँ जो बोल रहा हूँ वहां पर। नहीं मैं को सेटिंग करता हूँ कि अगला तुम जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ नहीं कोई बात नहीं, आपको। बट नहीं इट वाज गुड। ये मरीना जी के साथ मुझे एक इमोशनल सीन मिला था, और इसमें जब वो बैठ के रोता है, तो मैंने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि टू शॉट ही रहने, इसमें सोलो ना ले, तो मुझे हाँ मरीना खान के साथ कुछ टाइम मिल जाएगा, एक 1 फ्रेम यू नो यानी कि आप स्मॉलेस्ट डायरेक्टर भी प्लेजर। देख सकते हैं, सही है ना। अच्छा अब कुछ मैं सवाल ऐड करूंगा, तो मेरी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही, तो मेरी कोफ कर रही है रैपिड आपको फायर, सुन के। रैपिड रैपिड फायर, फायर नहीं वो भी करते नहीं, ये सामने ना मेरे पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए, मैं लोगों द्वारा मुझे नाम लिख के भेजा है, और हरीम है जो वैदा है, मे भी आवाज नहीं आ रही,
मैं कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सबको आनी चाहिए थी। अच्छा फरा करीम है, माय फेवरेट बिलाल, आयशा नसीम है, यासमीन अली है, फरीहा है, हसनैन है, सब बहुत तारीफें करें। ये कह रहे हैं कि आज आपने 3 घंटे लाइव किया है, कैसे यार? इसलिए क्योंकि मैं 24 घंटे लाइव होता हूँ, वी ऑल आर लाइव अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तक लाइव है, जब तक जिंदा है तो जिंदा रहे, ना कि शर्मिंदा रहे। तो बस फर्क ये था कि जो मैं कैमरे के पीछे होता हूँ, आज कैमरे के सामने था। मैं रियल रूटीन में भी ऐसा ही हूँ, तो मेरे लिए इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे मेरे घर में मेहमान आए हुए, मैं किसी के घर पे गया हुआ हूँ और गपशप हो रही है। आई लव टू इंटरेक्ट विद माई फैंस एंड माई बिल्कुल सही है। मैं हम स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर, ठीक है? लेकिन आप आपने फायर बहुत है और मैं रैपिड बहुत हूं। या प्लीज स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल सिंपल ही, मुश्किल नहीं। अच्छा, व्हाट इज योर स्टार साइन? सुपरस्टार। ओके, आर यू अ कैट पर्सन और अ डॉग पर्सन? आई एम अ किड्स पर्सन। ओह माय गॉड, दैट्स क्यूट। हु इज बिलाल कुरैशी ऑफ कैमरा? Very friendly, very roughed up, and very cute. Okay. The proudest moment in the career, in your career? Always when my Abbu appreciates me. क्योंकि मैंने कल लास्ट एपिसोड के बाद अब्बू का एक मैसेज आया मुझे। अब्बू लाहौर में है, मैं कराची में हूँ, ठीक है? हाँ। और आपको पता है हमारे जो बड़े हैं वो आज भी पूरी डिटेल में राइटिंग करते हैं, वो हमारी तरह हाफ राइटिंग नहीं करते। तो वो ऐसे एक लेटर की तरह आता है मैसेज, तो मैंने बल्कि सोचा कि मैं वो मैसेज जो है वो पोस्ट करूंगा कि दिस इज एन अचीवमेंट दैट माय फादर सेंड मी दिस मैसेज। सो ऑलवेज अ प्लेजर व्हेन माय अबू अप्रिशिएट्स। ठीक हो गया। अगर आप ना होते एक्टर तो क्या होते? अगर मैं एक्टर ना होता तो मैं डेफिनेटली आर्ट फॉर्म से रिलेटेड कुछ कर रहा होता, मे बी अ राइटर और मे बी अ डायरेक्टर, क्योंकि बड़ा शरीफ कीड़ा है। या बिल्कुल सही है। अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो क्या? अगर कोई पावर यार, जैसे वो एक मिस्टर इंडिया था ना, मैं मिस्टर पाकिस्तान होता। बहरीन आ जाता। कहाँ देखते हैं आप 5 साल बाद अपने आप को? 5 साल के बाद मैं अपने आप को 2 बच्चों का बाबा देखता हूँ। बहुत आला। अच्छा, मूवीज और बुक्स? मूवीज। ओके, टू वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? मैं नाराज हो जाऊं तो मानता बड़ी मुश्किलों से। अच्छा, ये भी है, ठीक है। आपसे हो गया, आपको लग पता जाएगा। Your favorite vacation spot? Yaar, hills, mountains, greenery. Okay. Northern areas you can say. But it's important that I should have my family along with me, not with friends or not with anyone else. Meri begum aur beta saath hai. Bilkul sahi hai, bilkul sahi hai. Coffee or chai? Chai. Okay. What is your holiday like? Kya karte hai chutti ke din? आजकल तो हॉलीडे हॉलीडे नहीं होती है। नहीं, वैसे लगातार मैं देखो, हॉलीडे कुछ और होता है और क्वारंटाइन कुछ और होता है। हॉलीडे में तो ये आई हैंग आउट अ लॉट, मैं सुहान के साथ, बेगम के साथ बहुत ज्यादा हैंग आउट करता हूँ और आई स्पेंड मैक्सिमम क्वालिटी टाइम। और क्वारंटाइन में ये है कि हम क्योंकि कहीं बाहर नहीं जा सकते, आई एम कम्प्लीटली फॉलोइंग द लॉकडाउन, आइसोलेटेड माई सेल्फ इन द हाउस, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। सो आई स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद माई वाइफ, यार आयजा से मुझे बहनों वाली फीलिंग आती है, और क्योंकि हम बहन भाई बने थे एक प्ले में, और वो शी इज अ वेरी वेरी स्वीट लेडी इन रियल, और मायरा से मुझे ऐसे लगता है कि वो किसी और की बहन है मेरी। हुमायूं सईद या अदनान सिद्दीकी? हुमायूं भाई। रियली आला। इमरान अब्बास या असगर रहमान? इजाज़ वारिस। ये क्या? नहीं, आई थिंक असफर, क्योंकि असफर का ना मुझे टॉकिंग स्टाइल अच्छा लगता है। आई लाइक हिम एज अ होस्ट। ओके ओके ओके, फाइन। फिल्म या ड्रामा? फिल्म। Okay. What's your hobbies these days?
मोबाइल मोबाइल एंड मोबाइल. ओके, एक फेवरेट फूड माश की दाल और हाँ और मास की दाल आपके दाल के साथ सारा मुझे बोलते हैं सबको कहना और साथ में रोटी हो तो उतनी हो गरम गरम अभी उतनी ही सही कहा ना मैंने उतनी नहीं कहना बस बिल्कुल सही है. अब फेवरेट कार कौन सी आपकी फेवरेट कार हाँ जो अपनी हो. ओह आपको हर सवाल का जवाब कैसे जल्दी निकल रहा आया था. नहीं जाहिर बात है अब मैं कोई और गाड़ी पे मेरे पास अगर जो है वही सबसे अच्छी है भाई. जब मेरे पास मेहरान थी तो मुझे मेहरान सबसे अच्छी लगती थी. जब मेरे पास सिटी थी तो मुझे सिटी अच्छी लगती थी. आज मेरे पास सिविक है तो सिविक सबसे अच्छी है बस. लेकिन वो मुनाफिक में आपने देखी कुछ गाड़ी कन्वर्टेबल जो स्पोर्ट्स वो क्या थी वो क्या थी शानदार गाड़ी. वो एक तो ये की वो साइज वाइज मुझ पर बड़ी सूट की मेरे साइज की थी. दूसरा मैंने वो उसी वक्त नियत की कि मैं सुहान जैसे ही 18 साल का होगा मैं सुहान के लिए लूंगा. वाह क्या बात है बिल्कुल सही. नहीं वो गाड़ी बहुत शानदार थी. हाँ वो मेरे सूट की थी. ओके सही है. और आपकी फेवरेट साउंड कौनसी है. साउंड फेवरेट साउंड मेरी फेवरेट क्या साउंड आवाज कोई कोई भी आवाजें होती है डिफरेंट दुनिया में डिफरेंट How do you describe your relation with Orissa Bhabhi? आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं साथ में. लोग फोटो देखते हैं आपके लोग तो बड़ा मजा आता है देख. तो कैसा एक जबरदस्त है. अच्छा people think we are an ideal couple and indeed we are. But मैं सबको ये बताता हूँ कि जैसे सब husband and wife का relation होता है वैसे ही हमारा भी उतना ही simple है उतना ही सादा है और उतना ही प्यारा है. एक्चुअली इस दुनिया में सिर्फ एक रिलेशन है ये आपकी बेगम भी सुनेंगी तो एग्री करेंगी मेरी बात से. सिर्फ एक ही रिलेशन है जो 24 आवर्स या आप पास हैं साथ हैं या नहीं हैं स्टिल यू आर कनेक्टेड एंड यू आर टुगेदर द ओनली रिलेशन. ठीक है अम्मी अबू के पास बच्चे और भी हैं. ठीक है बहन भाइयों के पास बहन भाई और भी हैं. ठीक है दोस्तों के पास दोस्त और भी हैं. लेकिन हस्बैंड के पास वाइफ एक है वाइफ के पास हस्बैंड एक है जो कि नॉर्मल एंड नेचुरल वैसे या बिल्कुल अलग से भी हैं. तो ये एक बड़ा प्यारा और स्ट्रॉन्ग और मेरे ख्याल से कंप्लीट रिलेशन है. तो मेरी बीवी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शी इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. प्यारी तो है खूबसूरत तो है खूबसीरत भी है. तो मुझे ऐसे लगता है कि लेकिन वो ड्रामे कम क्यों कर रही हैं फिर आजकल कम कर यार शी इज अ मदर. तो समझ रहे हैं सुहान के पैदा होने के बाद उन्होंने 3 साल प्रॉपर ब्रेक लिया कोई काम नहीं किया. और अभी भी उन्होंने एक टाइम पर एक ही करना है क्योंकि वो सुहान जाहिर बात है आप कुछ भी कर ले माँ की तरह तो कोई तरबियत नहीं कर सकता ना. तो शी इज अ वेरी गुड मदर शी इज अ वेरी गुड डॉटर शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड शी इज अ वेरी गुड वाइफ. तो शी इज अ गुड वुमन. तो उन्हीं की वजह से हमारे कपल में ये जो सुपरहिट है ये उनकी क्रेडिट गोज़ टू हर. आई टेक केयर. ठीक है मेरे पास कुछ सवाल आए हैं सामने में ट्राई करते हैं दिखाने की आपको कितनी पेंसिल आल्सो आपको दिखाना नजर आ रहा है ये सवाल. यार मुझे आ रहा है लेकिन मेरी ना मैं इतना पढ़ा लिखा. ओके ओके फाइन. ज़ैनब ताहिर कह रही है आपकी स्माइल बहुत क्यूट है भाई. क्या ज़ैनब मुझे लगता है कि स्माइल कहते हुए सब बहुत क्यूट लगते हैं. स्माइल इटसेल्फ अ वेरी क्यूट एक्सप्रेशन. तो सभी बहुत क्यूट लगते हैं स्माइल करते हुए. और एक और हमारी व्यूअर कह रही है आपने ड्रामा में उजाला से शादी क्यों की बहुत मुझे बहुत मासूम लग रही है हमारी. अच्छा रेजी बहुत लोग कंफ्यूज हैं बहुत कंफ्यूज हैं मुझे सवाल कर रहे हैं कि शादी क्यों नहीं हुई मेरी जान. एंड पे जो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया सहारा हो गया. तो ये वही था कि जी एक बच्चा मेरी तरफ से अब एक आपकी तरफ से. तो यानी ये कनेक्शन और एक्सप्रेशन था कि यही तो बात थी यही तो बात थी. ये बहुत से लोग नहीं समझ पाए. अच्छा यहाँ पे मैं आपके फॉलोअर्स को भी बता दूं कि बहुत से लोग नहीं समझ पाए इसलिए मैं ना अभी स्टोरी पे पोस्ट करने लगा हूँ एक मॉन्टाज हैप्पी मॉन्टाज. ओके जो हमने शूट किया था लेकिन हम लगाया नहीं आई डोंट नो द रीजन. तो यू विल गेट टू नो कि हैप्पीली एंडिंग है हमजा एंड उजाला एज ए कपल. ओके आप यूज करते हैं टिकटॉक कौन वाला. मेरा कोई टिकटॉक अकाउंट नहीं है मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है मेरा कोई कुछ नहीं है. जो लोग वीडियोस पोस्ट करते हैं टिकटॉक पे मेरे नाम से या यूट्यूब पे करते हैं दे आर डूइंग इट ऑन देयर ओन एंड दे क्लेम कि वो मैं हूँ या मेरी बेगम है ऐसा कुछ नहीं. हम सिर्फ इंस्टा पे
और फेसबुक पे करते हैं, और वो भी हम इसलिए अपलोड करते हैं ताकि इट कैन बिकम अ मेमोरी, इट कैन बी सेव्ड एज अ मेमोरी. ओके. और उमर कह रहे हैं हमजा यू शुड हैव सेव्ड अरमान, प्लीज यू शुड हैव सेव्ड सेव, बचाना चाहिए था आपको. यार मैं आपको बताऊं, मुझे भी बड़ा दुख हुआ उसकी मौत का, और अगर मुझे पता होता हमजा का तो हमजा वो डेफिनेटली, क्योंकि हमजा इतना तगड़ा दिखाया है कि वो बचा सकता था, लेकिन हमजा को पता नहीं था. अगर हमजा को पता होता तो डेफिनेटली वो ऐसी तैसी कर देता सर. एग्जैक्टली. मैं सवाल बहुत आ रहे हैं आपके लिए, हम उसको ऐड करेंगे सवाल आपके लिए. और ज़ैनब ताहिर हैं, व्हाट इज योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? कल होना हो, कल होना हो, वो भी शाहरुख खान, बहुत आलम. और जनाब एक और बहुत से सवाल आ रहे हैं, उमैर कह रहे हैं. मुझे सवाल नजर आ रहे हैं. हे माय हार्ट डियर बिलाल, हाउ आर यू? उमैर, उमैर लड़के मुझे इस तरह के मैसेज करें, मुझे कुछ इतना खास अच्छा मजाक कर रहा हूं. थैंक यू उमैर, थैंक यू फॉर द लव. थैंक यू. योर फेवरेट शाहरुख खान? यस यास्मीन, मेरे फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है, आई लव हिम. और एक और आप मुझे ऐड कर लो एफबी पर, प्रीति. अगर आप बाकी प्रीति हैं तो मैं आपको कर लूंगा. लेकिन आप लोग पूछते हैं कि आप हमें ऐड करें फेसबुक पे. एक और सवाल अनम हुसैन का, माय फेवरेट सॉन्ग इज हर पल यहाँ जी बजियो जो है समा कर होना. हाँ बिल्कुल सही है. अच्छा अब वो लोग कह रहे हैं वो डायलॉग कोई हो जाए, एक डायलॉग. हाँ हमजा के बड़े मजे मजे के मेमोरेबल डायलॉग्स बने हैं. जहाँ पे वो एक सिचुएशन होती है, उसे शादी का प्रपोज करता है. दैट्स बट माय वाइफ थिंक के मेरी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उस सीन में थी. ठीक है. और उसकी लाइंस थी कि मेरी आंखों में कभी किसी के लिए आंसू नहीं आए, पर तुम्हारे लिए मैं रोता हूँ. शादी कर लेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे. मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा, तुम्हारी हिफाजत करूँगा. मैं ना ही कोई कसम खा रहा हूँ, ना ही कोई वादा कर रहा हूँ, लेकिन जो भी कह रहा हूँ दिल से. ऊपर से बहुत बहुत ऊपर, बहुत वेरी नाइस. कुछ और सवाल हम ऐड करते हैं फिर आपसे हम माइंड करेंगे. इनके सबसे लगा है मेरी आवाज है ना, कहाँ आया ये विंडो और एजर सीट विंडो. ये सवाल मेरी बेटी ने किया है आपको. दैट्स अ क्यूट क्वेश्चन एक्चुअली. हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है. और लाइबा कह रही है कम से निशान अलग 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 कोई के पख्तून. आई विल डेफिनेटली कम टू पेशावर, आई हैवंट बीन देयर येट. और मरियम कह रही है फिलहाल गो लाइव मोर रेगुलरली. मरियम मेरी दादी का नाम है, इसलिए मैं आपकी बात से इंकार नहीं कर सकता. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कम लाइव रेगुलरली. बिल्कुल ठीक है. सना कहती है योर एक्टिंग वाज ब्रिलियंट. थैंक यू सना, योर चॉइस इज ब्रिलियंट. एंड सना एक और कमेंट दे रही है, यू मेड मी क्राई लास्ट एपिसोड, व्हाट अमेजिंग लव फ्रॉम यूके. लव टू यूके. थैंक यू सना, से हाय टू एवरीवन इन यूके. व्हिच ड्रामास आर यू वाचिंग दिस डेज? यार एक तो क्योंकि बेगम को पसंद है वो प्यार के सर के, तो वो हम देख लेते हैं. और उससे पहले बेगम रुसवाई देख रही थी, तो वो भी हम रुसवाई बहुत अच्छा. मैंने अगर खुद को ही फॉलो किया तो मैंने वो मेरे पास तुम वो भी वो थप्पड़ वाली एपिसोड की बात. हां बिल्कुल सही है. ओवरऑल माय फैमिली लव अफ्रीका ऑल वाचिंग इट राइट नाउ ऑन रिपीट. थैंक यू उमर, और फैमिली में सबको मेरा प्यार सलाम दुआ करिएगा. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन. और अब जो लोग रिपीट में देख रहे हैं वो आप जरा क्रिटिकली देखें और मुझे मेरी खामियां और मेरी गलतियां बताएं ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं. ओके एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. आपका अकाउंट क्या है फेसबुक? मेरा यार मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं बना अभी तक, तो फेसबुक अकाउंट क्या होना है मेरा? वही बिलाल कुरैशी. माय डीपी इज वीर सोहान इज किसिंग ऑन माय फोरहेड एंड माय कवर फोटो इज जहां पे हम तीनों हैं. बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो. सो दैट्स माय. बिल्कुल सही है. हु वाज द क्रेजीएस्ट इंटरेस्टिंग टीचर? यार ऑल द लेडी टीचर्स. एक और लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए. मोहित या रंग लागा आपकी शादी से पहले शूट हुआ है? बात नहीं, शादी से पहले हमारा एक प्रोजेक्ट शूट हुआ था, पिया का घर प्यारा लगे, हमारे डिजिटल पे आया था.
और उसके बाद हमने किया था मेरे जीने की वजह जियो कहानी पर, वो भी शादी मोहे पिया रंग लागा, वो शादी के बाद अभी तक हमने एक ही प्रोजेक्ट किया वो मोहे पिया रंग लागा एयरबाइक डिजिटल का था। बिल्कुल सही है बिलाल, मेरे ख्याल काफी बातें हो गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको एक बार फिर हम बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे सुपर सक्सेस ऑफ मुनाफिक, यू एक्चुअली नेल्ड योर कैरेक्टर हमजा एंड इट्स सच अ लवेबल कैरेक्टर, एनी फाइनल मैसेज फॉर योर ऑडियंस जो आपको इस देख रहे हैं? जस्ट कीप लविंग, keep appreciating and keep rocking because ek actor ki yahi kamai hai, and I cannot thank you all enough for the love and appreciation you gave me as Hamza. Main apne har character mein bahut mehnat karta hu, I try to give my 100% because I believe 99% is equal to zero. Lekin wahi baat hai ki ye aapka pyar aur mohabbat hai jo kisi bhi cheez ko itna hit kar dete hain. I promise that I'll keep entertaining you. बट वही बात है कि हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं भी होती हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आप सबका दिल जीत सकूं, बट टू बी ऑनेस्ट आप सबने मेरा दिल जीत लिया अपनी दुआओं से और अपने प्यार से, सो थैंक यू सो मच। और एनी फाइनल सेफ्टी टिप रिगार्ड्स कोरोना दी प्लीज? यार ट्राई टू फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस, गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एंड टेलिंग रिगार्डिंग, हमें देखें हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम एहतियात कर सकते हैं ना, और तो हमारे पास तो इसलिए जो जो कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए ना सोशल मीडिया कनेक्टिंग हो गया तो हमें हर चीज़ का पैरेलल कुछ ना कुछ मिल रहा है, सो हम बड़े अच्छे दौर में हैं, हम उस दौर में नहीं है कि जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग में हम तन्हाई में मर जाते हैं, हम घर बैठे बैठे बड़े कनेक्टेड हैं, देखें बहरीन और कराची में बात हो रही है, सो ट्राई टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद द फैमिली और सारी प्रिकॉशंस लें, एहतियात इलाज से बेहतर है। एग्जैक्टली सवाल बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन अब क्या करें, टाइम उसका एक घंटे बाद ये पूरा जाना ऐसे में बहुत जल्द स्टॉप हो जाएगा, लेकिन एक और आपके पास, अगर आप लोगों ने ये इंटरव्यू मिस कर दिया है हमारे दोस्त के लिए तो यू कैन वॉच ऑल दिस इंटरव्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है ना, डन हो गया। इसको लेकर आओ ना जरा सामने, ये क्या है? आओ सामने आओ ना बेटा, ये रिहाब तुम भी आओ, ये रिहाब है, ये बेटी है, कैसे बेटा चलिए आगे, दोनों बड़े फैन थे आपके और बहुत इन्होंने पूरा ड्रामा देखा बड़े गौरव का, नहीं ये मेरे भतीजा भतीजी हैं फैंस का, ये तो दे आर लाइक अ फैमिली टू मी, बहुत बेस्ट बहुत बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू एंड ऑनरिंग माय इंस्टाग्राम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्लीज ब्लेस यू, अल्लाह थैंक यू सो मच, जनाब बिलाल कुरैशी हमारे साथ थे, हमारे मुल्क के मायनाज सुपरस्टार। एक बार फिर मैं थैंक्स करता हूँ बिलाल आपका, क्या आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, स्टे ब्लेस्ड, मुनाफिक एक यादगार ड्रामा सीरियल था और आप शानदार रहे, थैंक यू बिलाल कुरैशी, थैंक यू अवर ऑडियंसेस फॉर ज्वाइनिंग अस, अल्लाह हाफिज़।